प्लस जो है और अनकाउंटेबल में, अनकाउंटेबल में ए और एन का यूज नहीं होता, लेकिन और प्रॉपर नाउन में भी ए और एन का यूज नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर नाउन, ये तीन जगह पे ए और एन का यूज नहीं होता है, ए और एन का यूज नहीं होता है, ये प्रॉपर नाउन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपको बताया जाता है प्लुरल और अनकाउंटेबल में यूज नहीं होता, लेकिन इसके अलावा भी है जो हमेशा जल्दी नहीं बताया जाता है। प्रॉपर नाउन में भी ए और एन का यूज नहीं होता है। प्रॉपर नाउन आखिर एक्चुअली में होता क्या है, प्रॉपर नाउन क्यों छूट गया, प्रॉपर नाउन होता क्या, थोड़ा सा जान लीजिए। प्रॉपर नाउन जिसमें किसी खास जाति स्थान का बोध हो, जिसमें किसी खास खास स्थान जाति खास स्थान जाति इत्यादि का बोध हो तो उसमें क्या बोलते हैं, या कोई वस्तु का बोध हो जिसमें किसी खास स्थान जाति या वस्तु का जिक्र किया हो, यानी बोध होता हो, जिक्र हो, तो उसमें क्या करेंगे, ए और एन का यूज नहीं करेंगे, ए और एन का यूज नहीं करेंगे। तो किसी खास स्थान जाति वस्तु का जिक्र हो तो ए और एन का यूज नहीं करेंगे, प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो प्रॉपर नाउन जिसे क्या हो गया, जैसे मान लीजिए राम दिया हुआ है, राम दिया हुआ, दिल्ली दिया हुआ है, तो राम हो गया, दिल्ली हो गया, या कोई महीना दिया हुआ है, ये क्या है, राम कोई खास व्यक्ति का नाम है ना, तो खास व्यक्ति का नाम है तो इससे पहले ए का यूज नहीं करते। दिल्ली कोई खास जगह का नाम है, जून कोई खास महीना का नाम है, जिसे हम लोग अभी भी यूज करते हैं, लिखते हैं राम इज ए इंटेलिजेंट बॉय, राम इज ए इंटेलिजेंट बॉय, तो राम इज ए इंटेलिजेंट बॉय, तो इसमें कहीं भी ए राम तो नहीं लिखा हुआ, या फिर ही इज ए राम, ही इज ए राम, ऐसे तो कभी भी नहीं लगते, ही इज राम लिख सकते, लेकिन ए राम कभी भी नहीं लगाते। उसी तरह ए दिल्ली नहीं लगाते, कभी भी ए दिल्ली नहीं लिखते, ए दिल्ली, एन दिल्ली कभी नहीं लिखते, ए जून, एन जून नहीं लिखते हैं। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, ऐसा कोई भी वर्ड रहे सिर्फ खास स्थान जाति का बोध हो या जिक्र हो तो उसमें ए और एन का यूज नहीं करते।